उधर जब पहुंचे हैं तो रास्ते में ये फ़ोन करते जा रहा है कि किधर पहुंच गए, किधर पहुंच गए। जब हम करीम पहुंचे ना, मैं गुस्से में इसको कह रहा हूं कि आप दरवाज़ा क्यों नहीं तोड़ देते, अपने बहन भाइयों को बुला लो किसी को। कहता है, मैंने कहा, कहता मेरे से टूट नहीं रहा। मैंने कहा किसी को बुला लो, सामने आपके भाई रहते हैं, मोहल्ले में से किसी को बुला जा सकते हैं। हाँ, एक तरफ इनके वालद रहते हैं, चलो वो तो बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, तो इस तरफ दाएँ हाथ में इसकी दो बहनों के घर हैं, सामने इसके भाई का घर है, इसके भांजिया भांजे इसका भाई सब उधर रहते हैं, एक दूसरा भाई है वो थोड़ा सा आगे रहता है, सारे ये मोहल्ला सारा इनका अपना है। तो मैंने कहा किसी को बुला लो, तो कहते हैं मैं बस आप जल्दी आ जाओ, इन बातों को छोड़ो। जब इसने पहली कॉल की है ना, तो इसने कहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला उसकी तबीयत ठीक नहीं है? कहता उसने अंदर से कुंडी लगाई हुई है, तो मुझे वो खतरा लाग शक है, कोई मसला है। तो मैंने उसे जो कहा ना, मैंने कहा यार आपको अभी पता चला है, अभी तो कैसे पता चला आपको? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आपको अभी कैसे पता चला? कहता मैं अभी गा रहा हूँ। तो मैंने कहा इस वक्त आप कहाँ थे? कहता मैं बाहर था। मैंने कहा बाहर क्या कर रहे थे? कहता बाहर मैं सुई गैस लगवा रहा था। मैंने कहा सुई गैस सारी रात लगती रहती है? सुई गैस वाले तो 8 बजे चले जाते हैं, शाम होगी, आप बारिश में कौन सुई गैस लगा रहा? कहता यार ये बातें करने का टाइम नहीं, आप जल्दी आ जाओ, बस उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, ये टाइम नहीं है। तो ये नहीं बता रहा कि उसको मैंने हैंग कर दिया या उसको मैंने मर्डर कर दिया उसका, या कोई ऐसी वैसी बात नहीं बता रहा, बस आ जाओ कह रहा है। तो जब हम पहुँचे हैं तो गाड़ी से उतरा हूँ, मैंने ऊबर वाले को 500 का नोट दिया, मैंने कहा ये बकाया ले लो। तो मैं भाग के आगे हुआ तो इसके पास ना दो बंदे, एक दरवाज़ा खुला हुआ था, एक दरवाज़े से अंदर से निकला है, इसने इसके हाथ में हाथ के साथ हाथ मिलाया या कुछ किया तो वो चला गया। एक मोटरसाइकिल पे पहले खड़ा हुआ था, वो उसके साथ बैठ के ना दोनों चले गए। तो हमें तो उस वक्त ये जेन में नहीं था ये किस लिए खड़े हैं या क्या मसला, हमारे जेन में तो ये था कि उसने कुंडी लगाई हुई है, इसने कोई बंदा बुलाया होगा कुंडी तोड़ने के लिए या दरवाज़ा तोड़ने के लिए। तो रास्ते में इसने जब कहा ना कि मैंने बड़ा कहा कि आप दरवाज़ा तोड़ो, मेरे से नहीं टूट रहा। जब हम पहुँचे हैं तो फिर अंदर लेके गया हमें, तो भांजे ने कहा कि देखो मामू इसके मुंह से कितनी स्मेल आ रही है, इसने शराब ही पी हुई है। आपने तो मुझे हलफ दिया था कि शराब ना पीने का, तो आपने हलफ दिया था कुरान पे आधार के मैं शराब नहीं पीऊँगा, तो आपने फिर शराब पी हुई है। तो नमाज का भी आप कभी पढ़ते थे, कभी कभार तो पढ़ते नहीं थे, तो आप इस तरह की रखते हैं, तो आप लोगों ऐसे ही हम अंदर गए। शक क्या है कि मतलब उसने इस वजह से सिर्फ फेंक किया कि बेटी होने वाली थी उसको? नहीं, इस दरमियान एक और बात हो गई है, वो ये बात हुई है कि मेरी जो भांजी इधर आई हुई थी ना, उसने बताया है कि इसकी बात इनके पिछले बच्चों से, यानी कि इनकी जवान बेटियां हैं अब तीन, ये दो बेटियां जवान है, एक छोटी है और एक छोटा बेटा, सबसे छोटा बेटा है। तो बेटा मेरा ख्याल हो गया 10 साल का, तो बेटियां 15-16 साल की होंगी। तो वो इधर उनका आना जाना इसने शुरू कर दिया हुआ था। मुझे जिस बात में आके रहा नहीं किया, मैंने जोर से ठुड्डा मारा दरवाजे को, दरवाजा उसी वक्त खुल गया। हालांकि ये वही दरवाजा था जो पहले उनसे नहीं खुल रहा था, जो दरवाजा उनसे नहीं खुल रहा था, जो कह रहा था मेंटे मार रहा हूँ ये, और ये वही दरवाजा जिसको इसने लोग के साथ कुंडी लगाने की कोशिश की है। ठीक है, मैंने जाके ठुड्डा मारा तो दरवाजा उसी वक्त खुल गया। जब दरवाजा खुला तो पंखी के साथ लाश लटक रही थी, मैंने चीख मारी है जोर से, तो मामू थे वहाँ पे। मेरी जो ना कोशिश थी, मेरी उसको जो बहन हुई था, मेरी कोशिश थी कि उसको मैं कोई मारूं या कुछ करूं, लेकिन मामू ने मुझे पकड़ के बाहर निकाला और मामू ने बोला कि आप 15 पे कॉल करो। और जिस तरह की सिचुएशन हमने देखी है, जब बंदा खुदकुशी करता, बंदे के हाथ पांव सीधे होते हैं, बंदे की आंखें बाहर आ जाती हैं। जो बहन थी उनका इतनी जगह सारी स्वेल हुई थी, और एक दुपट्टा था, दुपट्टे को ऐसे ही इकट्ठा किया हुआ था और उसकी गिरा बिल्कुल ऊपर लगाई थी, और पंखे के एक पर के साथ उनको लटकाया हुआ था, एक पर के साथ। हाँ, और उनकी जो टांगे थी, जिस तरह हम फोल्ड करते हैं टांगे फोल्ड हुई हैं, मैंने आपको तस्वीरें दी हैं, वो आपके पास भी होगा, उस वो टांगे फोल्ड हुई हैं और बेड के ऊपर फोल्ड हुई हैं। जो मेरी सिस्टर की हाइट थी वो 5'6" थी, 5'6" हाइट थी। अगर वो बेड के ऊपर खड़ी हों तो जो उनका सर है वो पंखे को लगता है, और उस तरह इसने जिस तरह भी वो किया है ना, जाहिर वकील था एक, उसकी प्रैक्टिस की है 12-13 साल की उसकी प्रैक्टिस थी, वो खुद भी समझदार था, जिस तरह भी उसने उसको ज़्यादा बनाने की कोशिश की है। उसकी टांगें फोल्ड हुई हुई थी बेड के ऊपर ही, और उनको फांसी जिस तरह दी हुई है ना, उसी तरह उनका जो है ना एक पंखे के पर के साथ लटकाया हुआ था। हमने फिर 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल करने के बाद कोई मजीद कोई 21 मिनट बाद पुलिस आ गई हमारे पास। नाज़रीन, फैसल टाउन का ये वाकया है, और वाकये के बाद जब 15 पे पुलिस को कॉल की गई तो पुलिस मौके पर पहुंची, और वहीं से मियां फैसल एडवोकेट जो कि मुलजिम है
उसको गिरफ्तार किया। मौके पे पुलिस ने पहुंच के क्या देखा और किस तरीके से सारा मामला जो है वो हैंडल किया और उसके बाद गिरफ्तार करके अब जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है मियां फैसल की। हमारे साथ मौजूद हैं SHO हैं फैसल टाउन के जनाब हमाद अख्तर साहब। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम। हमाद साहब, ये जो वाकया है जिसमें खुदकुशी कहा जा रहा है मियां फैसल की जानिब से और जो दूसरे अहले याल हैं उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फैसल ने ही इसको जो है वो मारा है, तो ये इसमें सारे वाकये में आप क्या देखते हैं? जब मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने क्या देखा सर? मौके पर ये जी के जो थे लड़की के लवक इकट्ठे थे, वो काफ़ी शोर शराबा कर रहे थे, तो उनको एक साइड पे करके जब हमने कमरे में देखा तो उसकी लाश जो थी निमरा की पंखे के साथ ही लटक रही थी। तो ये शुक्र है किसी ने भी उसको छुआ वगैरह नहीं था, तो उससे ये फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारी फॉरेंसिक लैब है उसने आके तमाम शवाइद वहाँ से इकट्ठे कर लिए। और आपको पता बड़ी जदीद लैब है तो वो हर एंगल से इस चीज़ को देखते हैं। उन्होंने पंखे के ऊपर भी निशाना देखे हैं, अगर कोई है, अगर है तो उन्होंने उठाया होगा, स्नैप्स भी ली हैं और भी अपने हिसाब से उन्होंने काफ़ी उसमें शवाइद इकट्ठे किए हैं। अच्छा सर, आप खुसूसन इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी तजुर्बाकार हैं, दूसरा अब मतलब आपकी जिम्मेदारी है फैसल टाउन की, तो इस इलाके में खुसूसन जो आपकी तरजीहात हैं वो क्या होंगी? इस इलाके में देखिए ये जो 35 थाने लैदा हुए उनमें ये भी है कि जहाँ जराइम से ज़्यादा होता है एक कैटागरी का थाना है, तो उस लिहाज से गश्त वगैरह वो मौसर की है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं हूँ काफ़ी कंट्रोल है क्राइम पे, मामूली है सिर्फ मोटरसाइकिल चोरी की वारदात है, बाकी हमारा कंट्रोल है। अच्छा सर, इस किस्म के क्राइम में जिस तरह से मियाँ फैसल के साथ शादी की, पता भी था कि ये शादीशुदा है पहले, इस तरह के मुतअद्दिद केसेस आते हैं, तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं फैमिलीज जो हैं वो रिश्ते जोड़ते वक्त जो हैं वो गलती करती हैं? ज़ाहिर है जी, उसने सोचना चाहिए था जब वो उम्र में भी उससे बड़ा है तो नहीं ऐसा करना चाहिए था, पता नहीं क्या मजबूरी होगी जो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि किसी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया जाए कि वो खुदकुशी कर ले। इसीलिए हर एंगल पे तफ्तीश होगी जी इसकी, और इंशाल्लाह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये मर्डर है या खुदकुशी है। अच्छा सर, आपके पास आने वाले साहिलीन इस बात के लिए तैयार रहे कि जो एप्लीकेशन देंगे उसके ऊपर FIR होगी और किसी को वो शिकायत वगैरह नहीं होगी? DIG साहब के भी यही अहकाम? देखें जी, जो तो बिल्कुल क्लियर है कि ये ऑफेंस हुआ है तो उस पर हम फौरी दर्ज कर लेते हैं। कुछ मामला होते हैं वह तहकीक तलब होते हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि पूछ लिया जाए, दोनों फरीकों को सुनने के बाद फिर FIR दे। तो सर, गश्त के वगैरह के नफरी वगैरह के हवाले से क्या आपके पास नफरी पूरी है और गश्त की क्या रुकी? नफरी तकरीबन है लेकिन मजीद भी मिल रही है हमें, और जितनी है उसे हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दो गाड़ियाँ हैं वो भी 24 घंटे गश्त भी होती हैं, महाफ़ज भी चलते हैं, पीरू भी आती है, डॉल्फिन भी आती है, तो अपने तरीके से तो अच्छी होगी। अच्छा सर, आप समझते हैं कि गश्त जो है वो काफ़ी हद तक क्राइम को काबू में रखता है, खुसूसन स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहा हूँ? 100%। तो ये सोशल क्राइम कैसे कम हो सकते हैं सर, जो इस किस्म के जैसे ये निमरा वाली स्टोरी है? सोशल क्राइम तो ये तो मीडिया ही है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस हो कि वो इस बात को समझ जाएं कि रिश्तों में क्या होना चाहिए और घर में कैसा बिहेव होना चाहिए, उसी से है। हम फैसल टाउन गए हैं, उधर देखा पुलिस वगैरह और मीडिया तो दूसरे आए हुए थे, सारे कवरेज कर रहे थे, देखा था तो निमरा की जो लाश है वो पंखे के साथ लटकी हुई थी और उसकी टांगें जो थी वो फोल्ड हुई थी। हमारी भांजी बहुत अच्छी थी, बल्कि 8 महीने की हामला थी, इसने एक नहीं 2 कत्ल किए हैं, एक हमारी भांजी और एक उसके पेट में जो बच्ची थी। इसको कड़ी से कड़ी सजा दें, जिस तरह इसने मेरी भांजी को फांसी पर लटकाया, मेरी इमरान खान से अपील है कि इसको भी इसी तरह फांसी पर लटकाएं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस से भी अपील है कि हमें इंसाफ दे और इसको कड़ी से कड़ी सजा और इसको फांसी पर लटकाया जाए। असी माड़े बंदे हैं, मजदूर बंदा मैं, अपनी बच्ची नूं पढ़ाया लिखाया 10वीं जमात करते, बच्ची दे इहदे मामू ने आए शादी कर दी है, मैं माड़ा बंदा था, उन्हें आया भी अपना कोई समान जेज आंदी लोड़ को नहीं, ये बंदा मेरी तरी ने ते पढ़िया लिखा बंदा है सुलझा तो अपनी बच्ची भी खुशहाल रहेगी, इन्हें बच्ची ढाडी नाल जायती की बच्ची 8 महीने मां ने बच्ची होने वाली, इन्हें एवं बच्ची नहीं बहना चाहता।
ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਘੁਲਾਤੀ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ 25,000 ਆਇਆ ਖਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਡਰ ਜਾਓ, ਅਗਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਾਰ ਬੱਚੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਢਾਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਢ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਛੋਟਾ 1.5 ਸਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਰੋਂ ਲਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਨਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਪੈਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। میاں فیصل ایڈوکیٹ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے اور تفتیش جاری ہے، پولیس تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید جو ہے وہ ثبوت ان کو ملیں گے اور اس کے بعد امید ہے کہ نمرا کو جو ہے وہ انصاف ملے گا اور پھر ہی ڈیسائیڈ ہو سکے گا کہ یہ آیا خودکشی تھی یا پھر مرڈر تھا جو کہ میاں فیصل ایڈوکیٹ نے خود کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے میں پڑھا لکھا طبقہ یا تعلیم یافتہ لوگ اس قسم کے وقوعے میں کیوں انوالو ہو جاتے ہیں، اور پڑھی لکھی فیملیز اپنی بیٹیوں کے رشتے ایسے مقامات پر یا ایسے افراد سے کیوں کر دیتے ہیں کہ جو شرابی، زانی یا جھگڑالو ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ بیٹی کے نصیب کا فیصلہ والدین نے کرنا ہے کہ انہوں نے اس کو کس گھر بھیجنا ہے تاکہ وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکے۔ جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان طارق حفیظ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔